इन पुराने जापान में एक दयालु बूढ़ा कपल रहता था जिनके कोई बच्चे नहीं थे और उन्होंने अपना पूरा प्यार अपने पालतू कुत्ते मुको पर बरसा दिया था। वो मुको को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते, उसके लिए एक स्पेशल कुशन बनवाया और उसको फिश और चावल के लजीज टुकड़े खिलाते। मुको अपने मालिक के लिए बहुत वफादार था और रोज उनके साथ खेत में काम करने जाता। एक दिन जब बूढ़ा आदमी काम कर रहा था, मुको भौंकने लगा और उसकी तरफ जोर लगा के इशारा करने लगा। पहले तो बूढ़े आदमी ने सोचा कि शायद मुको मजाक कर रहा है, पर वो बराबर उसी स्पॉट पर स्क्रैच करता रहा। क्यूरियस होकर बूढ़े आदमी ने जमीन खोदना शुरू किया और क्या देखता है, एक खजाना। वो सोने का ढेर था। खुशी से झूमते हुए कपल ने नया जमीन खरीदी और अपने दोस्तों और पड़ोसियों के साथ अपना धन शेयर किया। लेकिन उसी गांव में एक लालची और बुरी सोच वाला कपल भी रहता था। उन्होंने अपने पड़ोसियों की गुड लक के बारे में सुना और सोचा कि वो भी मुक्को को अपने घर बुलाकर खजाना पा सकते हैं। उन्होंने कुत्ते को अपने यार्ड में बुलाने के लिए टेस्टी खाना रखा, लेकिन मुको उनसे डर गया और भागने की कोशिश करने लगा। फ्रस्ट्रेटेड होकर उन्होंने जबरदस्ती मुको से जमीन खुदवाई, पर खजाने के बजाय उनको एक मरी हुई बिल्ली मिली। गुस्से में आकर उन्होंने मुको को मार दिया और उसको एक पेड़ के नीचे दफना दिया। जब दयालु बूढ़े आदमी को ये बात पता चली तो वो दुखी हो गए और मुको के लिए एक छोटा सा श्राइन बनाया। उस रात मुको का आत्मा उनके सपने में आया और कहा कि उस पेड़ को काट कर एक पीसने का सिल और चक्की बनाए। मुको के कहने पर बूढ़े आदमी ने पेड़ को काट कर एक सिल और चक्की बनाई। जब उन्होंने इसे यूज किया तो एक चमत्कार हो गया। जब भी वो चावल पीसते या दाल पीसते, सोने के सिक्के गिरते। फिर से वो कपल अमीर बन गया। ये देखकर लालची पड़ोसियों ने वो चमत्कारी सिल और चक्की मांगी, लेकिन जब उन्होंने इसे यूज किया तो उनका खाना कीड़े और गंध में बदल गया। गुस्से में उन्होंने उस सिल और चक्की को जला दिया और सिर्फ राख बची। मुको के आत्मा ने फिर बूढ़े आदमी को सपने में आकर कहा कि वो उस राख को मुरझाए हुए पेड़ पर छिड़के। जब उन्होंने ऐसा किया तो वो पेड़ खिलता गया और चेरी के फूलों से भर गया। इस मिराकल के बारे में पूरे गांव में चर्चा हुई और ये खबर उनके लॉर्ड डाइमियो तक पहुंची। डाइमियो के प्रोसेसन के रास्ते पर बूढ़े आदमी ने एक मुरझाए हुए पेड़ पर राख छिड़की और वो पेड़ खूबसूरत फूलों से भर गया। डाइमियो इतना प्रभावित हुआ कि उसने बूढ़े आदमी को काफी उपहार दिए और अपने कासल बुलाया। लेकिन लालची पड़ोसी ने यह सब देखा और अपनी राख जमा करके डाइमियो को इम्प्रेस करने की कोशिश की। जब डाइमियो का रास्ता उसके पास से गुजर रहा था तो उसने भी पेड़ पर राख छिड़की, लेकिन कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो राख डाइमियो और उसके लोगों के चेहरे पर उड़ गई और सबको छींकने और खांसी होने लगी। डाइमियो के गार्ड्स ने लालची आदमी को उठाकर रास्ते के किनारे गड्ढे में फेंक दिया और वो वहां शर्मिंदा पड़ा रहा। आखिर में दयालु कपल को पूरी कम्युनिटी ने सराहा और वो सुख से रहे, जबकि लालची कपल को सिर्फ शर्म और बदनामी मिली।